एलपीजी आईडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ पर माई एलपीजी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हो जो पहले है क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है भारत गैस एचपी जो भी है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मैं इंडियन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देख सकते हो यहाँ पर क्विक सर्च और नॉर्मल सर्च है, यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर नॉर्मल सर्च करना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे जैसे ही नॉर्मल सर्च तो यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट डालना है, जैसे कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर आपको स्टेट डाल देना है, और यहाँ पर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है जहाँ से आपने कनेक्शन लिया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर डाल देना है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका क्या नाम है यहाँ पर आपको नाम है वो भी, जो भी आप कनेक्शन लिया है वो यहाँ से चूज कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और कंज्यूमर नंबर है वो आपकी उपभोक्ता कार्ड जो आपकी डायरी है इसके अंदर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर उपभोक्ता नंबर आपको डालने होंगे। अपने उपभोक्ता नंबर डाल दिए हैं और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपनी एलपीजी आईडी है वो निकल कर आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप इसे काम में ले सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।